आज हम बात करने वाले हैं एचपी का इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसका जो बेल्ट होता है टाइमिंग बेल्ट जो कि हेड चलाता है, तो वो अगर छीन जाए या फिर उसको कोई चूहा हुआ कुतर दे तो उसको कैसे चेंज करते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको थोड़ा सा डाउन करके आप ये कवर आप ऊपर उठाएंगे हेड का जो बेस होता है। ये मशीन जो है इसको चूहा ने इसका वायर वायर सब काट दिया है, बेल्ट फिट सब काट दिया है, तो मैं इसका बेल्ट आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ। देखिए ये अपने जो बेस है इसको हमने ऊपर निकाल दिया, ये जो इंक्लूडर स्ट्रिप होता है उसको फर्स्ट निकाल देना है। और इसके दो साइड में दो स्प्रिंग लगा होता है, वो दोनों स्प्रिंग को निकाल देते हैं। एक लॉक में बैठा होता है, थोड़ा तो आगे की तरफ खींच के इसको निकाल दें। ये फेस पूरा अब अलग हो गया। अभी हम इसका बेल्ट चेंज करना देखेंगे। इसके दोनों साइड में दो स्प्रिंग लगा होता है, उसको
निकाल देने के बाद में फिर ये आपका जो रॉड है इस रॉड को भी आपको निकालना होगा। देखिए ये लॉक खोल देंगे, अब ये रॉड को निकाल के मैंने इनकुलेटर स्ट्रिप निकाल दिया है और अभी हम इस बेस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब चाहे तो दोनों साइड से भी आप स्प्रिंग खोल सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक दिया होता है बेल्ट का, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके उस लॉक को निकाल देंगे। दोनों साइड से स्प्रिंग निकाल देने के बाद में रॉड को पूरा बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके का स्प्रिंग एक उस साइड में भी होता है जो कि मैंने पहले खोल दिया। आराम से ये रोड को हमने बाहर निकाल के फेस को हमने निकाल दिया। थोड़ा तकलीफ है पर मुश्किल भी नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये जो छोटा पतला वाला प्लेट दिया हुआ है उसको नीचे की तरफ से अनलॉक करेंगे, वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। एक प्लेट है जो कि आपका बेल्ट को लॉक करके रखा होता है, अब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें एक लॉक टाइप का दिया होता है, तो उस लॉक को आपको थोड़ा सा प्रेस करने से वो बाहर की तरफ निकल आएगा। ये जो प्लेट आपका निकल गया तो अब बेल्ट आपका आसान से निकल आ गया। बेल्ट में एक लॉक टाइप का दिया होता है, तो आप देखिए उसमें एक बेल्ट में लॉक दिया है तो वो उसी के अंदर में जाके रुकेगा। ठीक है, तो आप जो नया बेल्ट लाएंगे तो उसमें भी उसी टाइप का लॉक होना चाहिए।